नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो के खेल में गोल्ड मेडल जीत करके अपना नाम और अपने देश भारत का नाम रोशन किया। तो यह एक बहुत खुशी की बात है कि भारत की नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला है किसी भी खेल प्रतियोगिता में। तो यह भी आपको जानकर ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार यह गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलाया है किसी भी खेल में। जेवलिन थ्रो यानी भाला पे खेल में सबसे ज़्यादा 87.58 मीटर ला कर के नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल भारत को दिलाया और इतिहास रचा। तो यहाँ पर 87.58 मीटर सबसे ज़्यादा जो दूरी है इसी को इन्होंने भाला फेंक के खेल में लाया और भारत को गोल्ड मेडल जिताया है और एक नया इतिहास भी रच दिया है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल के बाद यह दूसरी बार है जब कोई भारतीय व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में यह गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको ये भी जानकर ध्यान रखना है कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद में यह दूसरी बार है जब कोई भारतीय ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में गोल्ड मेडल के अलावा नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भी ये स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में तो ये जीते ही जीते हैं, लेकिन इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में भी ये स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, यानी कि गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। दोस्तों अब इसके बारे में जानकारी को थोड़ा देख लेते हैं कि ये कौन है। तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा और इनका जन्म पानीपत हरियाणा भारत में हुआ। ये भी आपको याद रखना है कि ये पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। तो आपको ये भी जानकर ध्यान रखना है कि ये सेना में यानी कि भारतीय सेना में ये सूबेदार के पोस्ट पर हैं। और इनके जो कोच हैं इनका नाम है गैरी केलवर्ट। तो इनके जो कोच का नाम हुआ है गैरी केलवर्ट। तो यह एक बहुत खुशी की बात है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया है।